हेलो गाइस, तो आज हम ट्राई करेंगे इस वाटर को इसमें डालने की और आप देखेंगे कि क्या हमें जो है ना चम्मच के साथ इस स्पून के साथ हम इसमें डाल सकते हैं पानी और हमें कितना टाइम लगता है। तो बेशक ये पानी तो आप देख रहे हैं बस एक गिलास ही है, लेकिन ये इसमें डालना ये बहुत ही मुश्किल काम है वो इसके साथ, तो क्योंकि ये काफ़ी छोटी है। लेकिन आज हम ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या हम चम्मच के साथ पानी डाल सकते हैं इसमें और हमें कितना टाइम लगता है। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं वीडियो, बिस्मिल्लाह इनको नज़दीक कर लेते हैं और ट्राई करते हैं। 2, 3, 4, 5 और 7 गिननी भी हैं कि हम कितनी जो है ना स्पून में ये भरते हैं। एक छठी हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दोस्तों गिनना है का तो ये काम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, गिनने तो नहीं होंगी, बस अंदाज़ा लगा लेंगे काफ़ी जो है ना। लेकिन जल्दी काम हो रहा है, हम टाइम जो है ना चेक करेंगे कितने टाइम हम गिलास जो है ना खाली करते हैं इसके साथ। तो ये चेक करें, बहुत जल्दी पानी में डाल रहा हूँ, आधा गिलास होने वाला है और जब ये आधा आ जाएगा ना फिर नीचे से ये जो है ना गिलास तंग है तो वो पानी और जल्दी होगा, ऊपर ही ज़्यादा पानी है नीचे नहीं है दाम। ये चेक करें इतना ज़्यादा इसमें पानी हो भी गया है। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप देख रहे हैं लाइक भी करिएगा। तो ये चेक करें तकरीबन गिलास बराबर दोनों होने वाले हैं। तो ये चेक करें, मोटे मोटे अंदाजे के साथ मैं गिन रहा हूँ ये जो है ना स्पून, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितनी है जो है ना मेरे अंदाजे में। ये चेक करें, ये इस गिलास में पानी ज़्यादा हो गया, अभी अभी इसमें कम रह गया। ये चेक करें, ये और बताया कि नीचे से ये जो है ना गिलास ये नीचे इस तरह की होती है ना, ये ऊपर से जो है ना इनमें पानी ज़्यादा आ जाता है और नीचे जो है वो जगह कम होती है। ये आप देख लेना ये ऊपर से बड़ा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। तो चलें थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं, पानी ज़्यादा जाया ना हो। ये चेक करें दोस्तों, ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो है ना ये अभी 100 होने वाली हैं, ये अभी 100 मेरे ख्याल में हो चुकी हैं दोस्तों। ये चेक करें, ये जो स्पून से मैं पानी डाल रहा हूँ ना मोटा मोटा अंदाज़ा रखा है, बारीकी में नहीं गया लेकिन इतने तकरीबन हो गए हैं अभी, तकरीबन मेरे ख्याल में 150 जो है ना स्पून से ये खाली हो जाता है गिलास, 140-150 जो है ना थोड़ा सा बन गया गया बिल्कुल इसमें। तो ये गिलास भी जो है ना ये चेक करें बिल्कुल भर गया इसकी तरह जो पहले था ना, ये बिल्कुल चेक करें थोड़ा सा नीचे पानी रह गया, ये हमें गिलास थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें स्पून डूब नहीं गई, बस थोड़ा सा रह गया चेक करें। तकरीबन हमारी 6-7 वो स्पून है इसमें से बनी गई, फिर ख़त्म है। ये चेक करें दोस्तों बिल्कुल खाली हो गया, ये लास्ट वाला ये हमने निकाल लिया है दोस्तों, बिल्कुल चेक करें खाली हो गया, तकरीबन 150 के लगभग जो है ना ये इसमें स्पून हमारी डली है। बाकी ये चेक कर लें बिल्कुल पानी का हमारा गिलास ये भर चुका है, साफ पानी है बिल्कुल। तो बाकी यार ये चेक करें हमारा जो है ना ये आज का जो है ना वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये चेक करें हमने स्पून के साथ जो है ना पानी भर लिया है, तो काफ़ी मुश्किल काम है इसके साथ, लेकिन देखें आपके लिए तजर्बा किया है और ये काफ़ी जो है ना एक आइडिया ऐसा था मेरे लिए कि ये काफ़ी मुश्किल काम होगा। पहले मैं सोच रहा था कि एक बड़ी बाल्टी में ये करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो जो है ना शायद मसला बन जाए बाद में, तो मैंने फिर जो है ना थोड़ा सिंपल किया है तो क्लास में ट्राई किया था। तो इंशाल्लाह फिर जब कभी टाइम मिला ना तो नेक्स्ट टाइम जो है ना हम ऐसा ट्राई करेंगे कि जो है ना बड़ी बाल्टी होती है जो इतनी वो इतनी हाइट हो उसकी, उसमें स्पून के साथ हम ट्राई करेंगे। अगर इस वीडियो पर जो है ना रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा तो बाकी दोस्तों यार वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।